आईपीएल में रविवार को दिन के पहले मैच में विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। बेंगलोर ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 164 रन का अच्छा स्कोर बनाया। इसके जवाब में पहले विकेट के लिए 91 रन की साझेदारी करने के बावजूद पंजाब 20 ओवर में 6 विकेट पर सिर्फ 158 रन ही बना पाई। बेंगलोर ने इस तरह से 12 मैचों में अपना 8वां मुकाबला जीता और 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में एंट्री ले ली है। पंजाब की बात करें तो अब उन्हें प्लेऑफ में जाने के लिए आखिरी मैच तो जीतना ही होगा, साथ ही कोलकाता समेत बाकी की टीमों को अपने मैच हारने होंगे। मैच की तरफ देखें तो पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी की तरफ से सबसे ज्यादा रन एक बार फिर मैक्सवेल के बल्ले से निकले। उन्होंने 33 गेंदों पर 57 रनों की धमाकेदार पारी खेली। वहीं देवदत्त पट्टिकल के बल्ले से 40 रन, कोहली के बल्ले से 25 रन और डिविलियर्स के बल्ले से 23 रनों की अच्छी पारी निकली। गेंदबाजी करते हुए पंजाब की तरफ से मोहम्मद शमी और मॉइसेस हेनरिक्स को 3-3 विकेट मिले। 165 के टारगेट का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम को बेहतरीन शुरुआत मिली थी। केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने अच्छी बैटिंग की और पहले विकेट के लिए 91 रन जोड़े, लेकिन जैसे ही 11वें ओवर में केएल राहुल का विकेट गिरा टीम बुरी तरह लड़खड़ाने लगी और 20 ओवर में सिर्फ 158 रन ही बना सकी। पंजाब की ओर से सबसे ज्यादा रन मयंक अग्रवाल के बल्ले से निकले, उन्होंने 57 रन की पारी खेली। वहीं केएल राहुल के बल्ले से भी 39 रन की अच्छी पारी निकली।